कि यूके सच में नर्सेस का रिक्रूटमेंट बंद करने जाने वाला है 2023 में, ये पर्टिकुलर डेट से 2024 में जितने नए नर्सेस आए हैं उसमें से 25% नर्सेस यूके छोड़ के जाएंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस नए वीडियो में, और आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ सीरियस चीज बताने वाला हूँ, क्योंकि काफी सारे मेरे जो पुराने वीडियोस है उसमें लोगों के मैंने कमेंट देखा कि ये डेट से यूके जो ओवरसीज नर्सेस रिक्रूटमेंट है उसे बंद करने वाला है। उसके बारे में मैंने काफी सारे लोगों के मेरे वीडियोज में कॉमेंट देखा पिछले दिनों में, और काफी सारे आप में से लोग भी मुझे मैसेज कर करके पूछ रहे थे कि क्या सच में यूके ओवरसीज नर्सेस का रिक्रूटमेंट बंद करने वाला है। तो आज के इस वीडियो में अगर आपको इस सवाल का जवाब जानना है तो आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज का यह वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा दूं कि मैं जहाँ पे आया हूँ, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सुंदर जगह है, ये बीच है, ये भी हमारे घर के आसपास ही है, उसके पास हम आए हैं, और वॉक करने के लिए काफी अच्छी जगह है ये। यहाँ पे शाम के समय वॉक करने में काफी मजा आता है, और आप देख सकते हैं कि अभी जो टाइम हो रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन में टाइम हो रहा है 8:19, ये शाम के 8:19 हुए हैं। आप इंडिया का भी टाइम यहाँ देख सकते हैं। तो यह है वेदर का अपडेट, अभी शाम के 8:15 बज गए हैं, फिर भी यहाँ पे धूप ही है, अभी तक अंधेरा हुआ नहीं है। आप अगर मेरे पिछले साल के भी वीडियोज़ को देखते हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे समर में काफ़ी लेट तक अंधेरा होता नहीं है और विंटर में काफ़ी जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो यह डिफरेंस आपको यूके के वेदर में देखने मिलता है। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए आज के इस वीडियो को हम शुरू कर देंगे। तो जैसा कि आप में से काफ़ी सारे लोग अभी स्टूडेंट्स हैं और आप लोग काफ़ी चिंतित है, क्योंकि आप लोग मुझे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर आने वाले 2 साल में 3 साल में क्या यूके नर्सिंग रिक्रूटमेंट बंद करने वाला है। और इतने में जो खबर चल रही है कि यूके सच में नर्सेस का रिक्रूटमेंट बंद करने जाने वाला है 2023 में, ये पर्टिकुलर डेट से, तो इसी चीज़ का आज हम खुलासा करने वाले हैं। आप अगर इस चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं कि मेरा नाम है मधु, और मैं नर्सेस से रिलेटेड और यूके से रिलेटेड इस चैनल पे काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। अगर आप इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि यूके में नर्सेस कहाँ कहाँ से है तो आपको पता चलेगा कि यूके में जो नर्सेस काम करते हैं वो स्पेशली ओवरसीज नर्सेस ही है। यहाँ के जो ब्रिटिश लोग है या तो वेल्स लोग है या स्कॉटिश लोग है, अगर आप इनको देखेंगे तो इनमें से काफी कम लोग आपको नर्सिंग प्रोफेशन में देखेंगे, और NHS टोटली ओवरसीज नर्सेस पे डिपेंडेंट है। और इसी के कारण क्या हुआ है कि WHO ने और हेल्थ एजुकेशन इंग्लैंड ने कंसर्न दिखाया है कि यूके अगर ओवरसीज नर्सेस पे रिलाय करेगा और या तो डिपेंडेंट हो जाएगा तो आने वाले दिनों में NHS इंग्लैंड को यूके को काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स उठाना पड़ सकता है। तो इसी के बारे में कुछ डिटेल्स न्यूज में है, जिस न्यूज की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, और आपके सामने कुछ हाइलाइट पढ़ के बताना चाहूंगा। यहाँ से बताया गया है कि रजिस्टर्ड नर्स वैकेंसीज अकाउंट फॉर ओवर of all full-time equivalent staff vacancies in England compared with many other OECD countries. तो उन्होंने कहा है कि जो registered nurses की vacancies है वो 3 गुना ज्यादा है बाकी other specialties से, बाकी other professions से। कहा है कि recent nursing and midwifery council NMC data underlines this reliance on international nurses, showing that annual number of new nurses registered from outside the European economic area has increased significantly and in 2022 and 2023 reached the highest level since record began in 1990 and 1991। जो UKNMC का रजिस्टर है उसके हिसाब से इन्होंने जब डेटा कलेक्ट किया तो उनको पता चला कि पहली बार ऐसा हुआ है 2022 में और 23 में कि उस समय से ज्यादा ओवरसीज नर्सेस ने UKNMC का रजिस्टर ज्वाइन किया है। और इन 2022 इन 2023 मोर देन 40% ऑफ ऑल न्यू नर्सेस रजिस्टर्ड विद द NMC डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल केम फ्रॉम लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज यूजिंग वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन अप फ्रॉम 10% इन 2018। तो जो लो इनकम कंट्रीज है उसमें से भी 40% नर्सेस का इजाफा यूके के न्यू क्वालिफाइड नर्सेस में हुआ है। लास्ट ईयर मोर देन 6,000 न्यू नर्सेस रजिस्टर्ड इन द यूके केम फ्रॉम सो कॉल्ड रेड लिस्ट कंट्रीज। जैसे कि आपने मेरे कुछ वीडियोस में देखा होगा कि रेड लिस्ट कंट्रीज होती है जहां से यूके डायरेक्टली नर्सेस को रिक्रूट नहीं कर सकता है, लेकिन इनके डेटा के हिसाब से पिछले साल 6,000 नए नर्सेस ने रेड लिस्ट कंट्रीज से ज्वाइन किया है। माइग्रेंट वर्कर्स हैव लॉन्ग बीन एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूके हेल्थ
एंड केयर वर्कफोर्स एंड इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट इज वाइटल नो एड्रेसिंग स्टाफिंग शॉर्टेज इन द एनएचएस बट रिक्रूटमेंट मस्ट बी इथिकल एंड सस्टेनेबल रिकॉग्नाइजिंग ग्लोबल शॉर्टफॉल इन वर्कफोर्स। तो उनका कहना है कि एनएचएस में या किसी भी हेल्थ केयर सर्विस को चलाने के लिए आपको इंटरनेशनल नर्सेस के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, लेकिन इतना भी ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, ऐसा इनका रिसर्च बता रहा है, रिसर्च बॉडीज है। उनका कहना यह है कि ठीक है आप लोग ओवरसीज नर्सेस के ऊपर रिलाय करते हो, लेकिन इतना ज्यादा रिलायंस किसी एक पर्टिकुलर फील्ड से या तो किसी पर्टिकुलर प्लेस से बहुत ज्यादा रिलाय करना उन चीजों पे बहुत अच्छा अपने फ्यूचर के लिए नहीं है। तो इस ओवरसीज नर्सेस के रिक्रूटमेंट को कम करने के लिए वो आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे कि जो इनके बच्चे हैं, जैसा अपने इंडिया में 12th पास होने के बाद हम लोग नर्सिंग में एडमिशन लेते हैं, तो वैसा ये लोग कोशिश करेंगे कि जब भी इनके बच्चे किसी ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जाएंगे तो वो लोग अपने बच्चों को कन्विंस करेंगे कि आप नर्सिंग में एडमिशन लो, जिसके कारण आने वाले दिनों में इनको ओवरसीज नर्सेस के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ये लोग आने वाले दिनों में कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए काफी ज्यादा समय लगेगा और यहाँ के जो बच्चे हैं वो लोग नर्सिंग में बहुत ज्यादा नहीं आना चाहते, क्योंकि नर्सिंग के अलावा भी यहाँ पे काफी सारी फील्ड्स है जहाँ पे इन लोगों को काफी अच्छा पे मिलता है। और जैसे कि आपको पता होगा कि नर्सिंग में जॉब करने के लिए आपको बहुत डेडिकेटेड रहने की जरूरत है, वो यहाँ के मेरे ख्याल से सभी लोगों की इच्छा नहीं होती है वो जॉब करने की। तो अगर इनको सस्टेनेबल वर्कफोर्स बनाना है तो इन्हें डेडिकेट लोगों को ढूंढना पड़ेगा अपने ही देश से, लेकिन यह ढूंढना इतना आसान नहीं है। और जो लोग काफी चिंतित है कि सच में अगर इन लोगों के पास इनके खुद के नर्सेस बढ़ जाएंगे तो ये लोग ओवरसीज नर्सेस का रिक्रूटमेंट है वो बंद कर देंगे, तो यह होना इतना आसान नहीं है। अगर आप चिंतित है तो आपने चिंता करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। और एक चीज जो कि इनके रिसर्च में नहीं है, मेरे रिसर्च में है, वो आपको बताता हूँ कि 2024 में जितने नए नर्सेस आए हैं उसमें से 25% नर्सेस यूके छोड़ के जाएंगे। वो इसलिए जाने वाले है कि 2023 में 25% से भी ज्यादा लोग जो कि UKNMC के साथ रजिस्टर्ड है और जो ओवरसीज से आए हैं उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं और वो 2024 के पहले यूके छोड़ के ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड मूव हो जाएंगे। तो यूके में जो रजिस्टर्ड नर्सेस है ऑलरेडी जिनका UKNMC में रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ है उनमें से 25% से ज्यादा लोग 2024 तक यूके छोड़ के जाने वाले है। अगर आप स्टूडेंट है और आप सोच रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 साल के अंदर मैं यूके आना चाहता हूँ तो आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जितनी वैकेंसी अभी यूके में है उससे कहीं ज्यादा वैकेंसीज आने वाले दिनों में यूके में आएंगी। और ये लोग अपने बच्चों से नर्सिंग कराते भी है तो भी इनके पास जितनी वैकेंसीज आने वाले 3 से 4 साल में आने वाली है वो लोग फुल नहीं कर पाएंगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अपना प्रिपरेशन अगर आपने स्टूडेंट रहते हुए चालू किए है यूके आने के लिए तो अपना प्रिपरेशन शुरू रखिए और बिल्कुल ही प्रिपरेशन बंद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे निगेटिव न्यूज को आप जब तक वेरीफाई नहीं करते तब तक आप कोई भी डिसीजन मत लीजिए। और आपको ऐसे ही मोटिवेटेड रहना है और सही न्यूज अगर हमेशा चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको हमेशा अपडेटेड न्यूज मिलते रहती है। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितने भी लोग इनसे जुड़े हुए हैं वो चाहे इंस्टाग्राम से हो या यूट्यूब से हो, मैं उनको हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।